नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। नगरीय निकाय समन्वय निर्वाचन 2023 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और सकुशल संपन्न कराने के लिए स्वर्गीय ठाकुर हुकुम सिंह किसान पीजी कॉलेज बहराइच में विभिन्न कक्षों में आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले सत्र में 203 और दूसरे सत्र में 204 पोलिंग पार्टियों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रत्येक पोलिंग पार्टी में 4-4 मतदान अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मतदाता कर्मियों को मतपेटिका के संचालन के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया और साथ ही पीठासीन अधिकारी को स्टेशनरी का थैला भी वितरित किया गया। प्रशिक्षण कक्षों के निरीक्षण के पश्चात जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्र ने अन्य अधिकारियों के साथ निर्वाचन सामग्री वितरण स्टॉलों, डाक मतपत्रों व्यवस्था की भी अवलोकन किया, आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मौके पर मुख्य राजस्व अधिकारी अवधेश कुमार मिश्र, उप जिलाधिकारी सदर सुभाष सिंह, तमाम लोग मौके पर मौजूद। खबर गोरखपुर से, जहां सजनवा तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा पिपरौली, मलहीपुर और बांसपार के अंतर्गत स्थित गुमुआ तालाब है, जिसका क्षेत्रफल करीब 5 एकड़ है, जिसमें कुछ लोगों द्वारा बड़ी मात्रा में सल्फास डाला जा रहा था। ग्रामीणों ने तालाब में सल्फास डाल रहे लोगों से करीब 10 किलो सल्फास की गोली को अपने कब्जे में कर लिया है, जिसका किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिससे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि गीड़ा थाना क्षेत्र देईपार निवासी भैया राम सिंह द्वारा तालाब में मछली डाली जाती है, जो अपने गाँव में हेस्ट्री चलाने का काम करता है। वायरल वीडियो में दवा डाल रहे युवकों द्वारा साफ बताया जा रहा है कि ये सल्फास है और भैया राम सिंह के कहने पर दवा डाली जा रही है। ग्रामीणों ने भी बताया कि आधा दर्जन लोग करीब 30 किलो सल्फास लेकर तालाब पर आए और 20 किलो सल्फास तालाब में डाल दिया, लेकिन ग्रामीण द्वारा 10 किलो सल्फास पकड़ कर रख लिया गया। नाम न छिपाने के शर्त पर कुछ लोगों ने बताया कि हर साल तालाब में जहरीली सल्फास दवाइयां डाली जाती हैं, जिससे जलीय जीव एक घंटे में मर जाते हैं और स्थानीय क्षेत्र के पशुओं को भी खतरा बना रहता है कि जहरीली पानी पीने से उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो जिम्मेदार कौन होगा। हालांकि संदर्भ में सजनवा तहसीलदार कृष्ण प्रसाद का कहना है कि मामला संज्ञान में है, जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शहर के नगर पालिका मैदान में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। श्रावस्ती में उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इसके साथ वो हेलीकॉप्टर से बहराइच के नगर पालिका सभागार में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। दोपहर 1 बजे उप मुख्यमंत्री का जिला विधायकों और अन्य पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इसके बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस शासनकाल में जमकर भ्रष्टाचार हुआ था, जिससे देश की छवि पूरे विश्व में खराब हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में मंत्री भ्रष्टाचार में जेल भेजे गए हैं। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे रिश्तेदार पहले जब आते थे तो गांव और शहर में बिजली आपूर्ति के लिए रोस्टर की जानकारी लेते थे। सपा शासनकाल में सिर्फ इटावा और सेफई में 24 घंटे बिजली दी जाती थी, जबकि अब पूरे प्रदेश की जनता को 24 घंटे बिजली सप्लाई दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश की करोड़ों जनता को सरकार फ्री में राशन दे रही है, जबकि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में आटे के लिए हाहाकार मचा हुआ है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की केंद्र प्रदेश में जब से सरकार आई है तब से विकास की गति काफी बड़ी है और प्रदेश में कोई गुंडा माफिया नहीं है, सबकी कमर योगी सरकार ने तोड़ दी है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि बहराइच नगर क्षेत्र में जलभराव, सड़क सफाई और सीवरेज की समस्या से निजात पाने के लिए भाजपा प्रत्याशी सुधा टेकिनवाला को जीत दिलाए। कासगंज से हादसे का मामला सामने निकल कर आया है, जहां एक छोटा हाथी वाहन ने बाइक सवार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार भट्टा मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस बल के साथ सीओ और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने छोटा हाथी वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है और मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना की खबर से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पटियाली कोतवाली क्षेत्र के गांव अलीपुर दादर के समीप की पूरी घटना। संत कबीरनगर जिले में पूर्व सांसद स्वर्गीय सुरेंद्र यादव की दूसरी पुण्यतिथि पर पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव का सफाइयों ने जोरदार स्वागत किया। अखिलेश यादव ने स्वर्गीय सांसद सुरेंद्र सिंह के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नगर निकाय चुनाव में पूरे समर्थन के साथ समाजवादी पार्टी के जितने भी उम्मीदवार मैदान में है उनको अपना समर्थन दें। वहीं सपा प्रमुख ने खलीलाबाद नगर पालिका सीट के संशय दूर करते हुए कहा कि जगत जायसवाल हमारे समर्थित उम्मीदवार हैं, उनको अपना समर्थन देकर नगर पालिका का अध्यक्ष बनाए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार गंगा को साफ करने की बात करती है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब तक शहर के नालियां और नालियों से जुड़ने वाले नाले और उससे जुड़ने वाली नदियां नहीं साफ होंगी तब तक गंगा को साफ करना नामुमकिन होगा। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली की जांच एजेंसियां जब उत्तर प्रदेश में छापा मारती है तो उत्तर प्रदेश की एजेंसी दिल्ली में छापेमारी करती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि डबल इंजन की सरकार आपस में टकरा गई है। फरुखाबाद में कांग्रेस प्रत्याशी खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं, जहां कांग्रेस प्रत्याशी वोटरों को स्कूल में बुलाकर प्रलोभन दे रहे हैं। इस संबंध में कांग्रेस प्रत्याशी मुमताज का अपने पति के साथ वोटरों को गिफ्ट बांटते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बकायदा इसका वीडियो भी बनवाया जा रहा है और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल न करने की स्कूल संचालक ने हुसैन कार्यकर्ताओं को हिदायत भी दी है।
फरुखाबाद कोतवाली क्षेत्र के सलामत खां के प्राइवेट स्कूल का एक पूरा मामला है। संभल में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के मामले में कहा है कि पीएम को आगे आकर जवाब देना चाहिए। आप नेता ने पीएम और बीजेपी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि पीएम मोदी गंजे को भी कंघी बेचने का हुनर रखते हैं। दरअसल आप नेता संजय सिंह पार्टी की संभल नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष पद के उम्मीदवार फिजा शहजाद के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने संभल पहुंचे थे, जहां उन्होंने भाजपा पर हिंदू मुसलमान करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने योगी सरकार को फेल बताते हुए हाथरस घटना, उमेश्वर हत्याकांड, लखीमपुरकांड जैसे तमाम घटनाएं गिनाते हुए योगी सरकार को फेल बताया। तो वहीं उन्होंने आप द्वारा बार बार बीजेपी को हराने का दावा करते हुए सपा बसपा भाजपा कांग्रेस को छोड़ आप प्रत्याशी को जिताने का आह्वान किया है। उन्होंने पीएम मोदी और अडानी के रिश्ते को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरा का पूरा देश अडानी के नाम पर कर दिया है और अब पूरी बीजेपी और सरकार अडानी की नौकरी और गुलामी करने में व्यस्त है। आप सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ना होकर सिर्फ अडानी के प्रधानमंत्री होकर रह गए हैं। संजय सिंह ने अफजल अंसारी को सजा मिलने पर कहा कि अदालत का फैसला है, तो वहीं बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह मामले में कहा कि इस मामले में पीएम मोदी को आगे आकर जवाब देना चाहिए। बिजनौर के हेमपुर दीपा थाना क्षेत्र में किन्नर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। थाना क्षेत्र के ग्राम सिसौना रेल फाटक के जर्जर बिल्डिंग में किन्नर की लाश मिली। आपको बता दें कि किन्नर दिल्ली निवासी बताया जा रहा है। किन्नर ने जर्जर बिल्डिंग में लोहे के गाटर से तार बांधकर फांसी लगा ली। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। पूरा मामला थाना हेमपुर दीपा के सिसौनी रेलवे फाटक का है। झांसी थाना क्षेत्र अंतर्गत मोदी का पानी पीने से एक दर्जन से अधिक बकरियों की हुई मौत। बता दें कि ग्राम छिरौना में कुछ लोग अपनी बकरियां चरा रहे थे, जब वहां लोग एक कुएं के पास अपनी बकरियों को पानी पिलाने गए तो जिन बकरियों ने कुएं का पानी पिया वो बच गई और जिन बकरियों ने वहां बनी हुई टंकी का पानी पिया उस पानी पीने से लगभग एक दर्जन से ज्यादा बकरियों की मौत हो गई। इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। बकरियों की कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। बीजेपी के पूर्वा से बाहुबली कहे जाने वाले विधायक अनिल सिंह की अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मोरावा नगर पंचायत चेयरमैन पद के प्रत्याशी विवेक सेठ के पक्ष में वोटिंग के लिए अपील कर रहे थे। मीटिंग के दौरान मुलायम सिंह और राहुल गांधी के लिए गालियों और शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वो नजर आए। बीजेपी से पूर्वा विधायक अनिल सिंह का सोशल मीडिया में तेजी के साथ वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को लेकर पूर्वा विधायक अनिल सिंह ने बाद में अपनी सफाई भी दी है। हरदोई के कोतवाली शहरी इलाके में एक निजी अस्पताल में एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत पर परिजनों ने इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर हंगामा किया। मामले की सूचना मिलने पर सीओ सिटी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ सिटी ने बताया कि पूरे मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। शहर कोतवाली इलाके में साढ़ी बिलग्राम रोड पर मयूर अस्पताल में उस समय हंगामा हो गया जब एक महिला की मौत हो गई। उसके शव को अस्पताल के जिम्मेदार एम्बुलेंस पर लाद कर लखनऊ ले जाने की बात कहने लगी। ये देखकर वहां पर मौजूदा परिजनों ने काफी देर हंगामा किया, जिसकी सूचना पर शहर कोतवाली पुलिस और सिटी विनोद द्विवेदी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों से बात की। बताया जा रहा है कि सुरसा थाना क्षेत्र के खजुराहा गांव के रहने वाली 32 साल की माला पत्नी साहबलाल को पेट दर्द की वजह से यहां भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि इलाज के बावजूद फायदा नहीं हो रहा था तो उसे रेफर के लिए कहा गया मगर किसी ने नहीं सुना। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ जाँच और कार्रवाई की बात की जा रही है। थाना नूरपुर क्षेत्रांतर्गत में पेट्रोल पंप के पास बरसात और तेज हवा में एक सूखा पेड़ अचानक गाड़ी के ऊपर गिर गया, जिससे चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलते ही नूरपुर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल को इलाज के लिए सीएससी नूरपुर में भर्ती कराया गया और गिरे पेड़ की डालियों को पुलिस द्वारा हटाकर यातायात व्यवस्था सुचारू की गई। शाहजहाँपुर के कटरा बिल्लौर हाईवे पर थाना क्षेत्र मदनापुर के वोरापट्टी सियान गांव के समीप बाजार के पास दो ट्रकों में भीषण भिड़ंत हो गई, जिसके बाद दोनों ट्रकों में भयंकर आग लग गई। सूचना मिलते ही थाना मदनापुर प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड को सूचना देकर आग बुझाने में लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, जिसके बाद पता चला कि प्यार से लदा ट्रक का चालक अंदर ही फंसा है और उसकी मौत हो चुकी है। जिसके बाद सीओ सदर अमित चौरसिया फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और चालक के शव को बमुश्किल निकलवाया और परिजनों को सूचना देकर बुलाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जिसके बाद मृतक के भाई संतोष कुमार ने थाने में तहरीर देकर बताया कि मेरा छोटा भाई राम प्रकाश हिदरपुर थाना किशनी जिला मैनपुरी का रहने वाला है। वो अपने रिश्तेदार और परिचालक कन्हैया उम्र 20 वर्ष पिता का नाम परशुराम गाँव मंडी थाना सौरिक जिला कन्नौज के साथ इंदौर से ट्रक को लेकर शाहजहाँपुर के लिए जा रहा था। तभी थाना क्षेत्र मदनापुर के बरुआपट्टी सनायक बाजार के पास कटरा की ओर से आ रहे
दूसरे ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई जिसमें भीषण आग लग गई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। माफियाओं पर लगातार हो रही कार्रवाई से माफियाओं के हौसले पस्त नजर आ रहे हैं। बस्ती की शराब माफिया राजू गुप्ता की 1 करोड़ कीमत की अवैध संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया गया है, जिसके बाद से अवैध काम करने वालों के बीच हड़कंप मच गया है। शराब माफिया राजू गुप्ता हरैया थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव का रहने वाला है। प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप से अवैध रूप से करोड़ों की संपत्ति बनाई थी। अवैध रूप से बनाई गई संपत्ति जिसमें कप्तानगंज में खाता संख्या 3 के गाटा संख्या 29 में 125 वर्ग मीटर जमीन अपनी पत्नी संजू देवी के नाम से खरीद कर मकान बनवाया, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं कई गाड़ियां भी हैं जो कि अपनी पत्नी के नाम की हुई थी। सभी संपत्ति को पूरी तरह से कुर्क कर दिया गया है। आगरा थाना ताजगंज इलाके की गुथलिया मोड़ पर एक तेज रफ्तार बाइक सवार डिवाइडर से टकरा गया। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक की तलाशी ली। तलाशी लेने पर उसकी जेब से एक आधार कार्ड मिला। आधार कार्ड के मुताबिक उसकी शिनाख्त टोला धीरपुरा के रहने वाले साहिन खान के रूप में हुई है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेज दिया है। मृतक युवक के परिजनों को सूचना भी दी गई। थाना सोहरा के महापुर इलाके में डीसीएम वाहन को रास्ता बताना बच्चे पर भारी पड़ गया। दरअसल डीसीएम शमशान की दीवार से चला गई नीचे जा गिरी, जिसके बाद आनंद फानन में बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पूरा मामला थाना सिहारा के महापुर इलाके का बताया। कंगना रावत हरिद्वार के क्षेत्र खानपुर विधायक उमेश कुमार के साथ पूजा अर्चना करने हरिद्वार पहुंची, जहां उन्होंने हर की पौड़ी पहुंचकर मां गंगा में जलाभिषेक किया और मां गंगा का आशीर्वाद दिया। खानपुर विधायक उमेश कुमार भी कंगना रावत के साथ दक्षिण काली मंदिर में दिखे। दक्षिण काली मंदिर में कंगना रावत ने पूजा अर्चना की। काली मंदिर में पहुंचकर आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी से मुलाकात कर आशीर्वाद भी लिया। फिल्म अभिनेत्री कंगना रावत उत्तराखंड दौरे पर हैं। देर शाम हरिद्वार के दक्षिण काली मंदिर पहुंचे कंगना रावत ने पूजा अर्चना कर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी से आशीर्वाद लिया। कंगना रावत के साथ खानपुर के विधायक उमेश कुमार भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए कंगना रावत ने कहा है कि उत्तराखंड देवभूमि है, उन्हें यहाँ आकर काफी अच्छा लग रहा है। पिछले कई दिनों से उनकी केदारनाथ जाने की इच्छा थी, जो पूरी हुई है। कंगना ने कहा कि देश में मोदी सरकार इस समय नदियों और धर्मस्थलों की बेहतरी के लिए अच्छा काम कर रही है। वहीं आगामी लोकसभा चुनावों के लिए कंगना ने कहा है कि 2024 के नतीजे वैसे ही होंगे जैसे 2019 के थे। केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर में कई स्थानों पर दान के लिए QR कोड के बोर्ड लगाने के मामले में BKTC ने पुलिस को तहरीर दी है। समिति का कहना है कि मंदिरों में दान के लिए QR कोड के बोर्ड BKTC की ओर से नहीं लगाए गए थे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय ने बताया कि दोनों धामों में कपाट खुलने के दिन ये बोर्ड लगाए गए थे। मामला BKTC के अधिकारियों के संज्ञान में आने के पर उसी दिन बोर्ड उतार दिए गए थे। BKTC अधिकारियों ने पहले अपने स्तर से इस मामले की छानबीन की। इसके बाद रविवार को केदारनाथ मंदिर अधिकारी ने केदारनाथ पुलिस चौकी और बद्रीनाथ में प्रभारी अधिकारी की ओर से कोतवाली में तहरीर दे दी गई है। अजय ने यह भी बताया कि BKTC की ओर से वर्तमान में अपने कामकाज में पेटीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 37 सवाल पूछे हैं। दरअसल रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात का कार्यक्रम का 100वां एपिसोड प्रसारित हुआ था। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात तो कर ली, लेकिन जनता के मन की बात प्रधानमंत्री कब सुनेंगे। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने बताया कि उत्तराखंड से कांग्रेस से 37 सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे हैं। इसमें पुलवामा हमला, नमामि गंगे, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार समेत तमाम सवाल प्रधानमंत्री से पूछे गए हैं, जिसका जवाब प्रधानमंत्री को देना होगा। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अनुमान जताया है कि साल हो रही चारधाम यात्रा में सभी रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे और 60 से 70 लाख श्रद्धालु चारधाम की यात्रा करेंगे। राज्यपाल ने कहा कि राज्य के लिए चारधाम यात्रा कांवड़ यात्रा राज्य के लिए बहुत बड़ा अवसर है, इसलिए सभी की कोशिश होनी चाहिए कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का अनुभव सकारात्मक हो। वहीं उन्होंने राज्य में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि अधिक से अधिक उत्तराखंड के लोकल उत्पादों की खरीदारी करें, जिससे राज्य सम्मिलित हो सके और यहाँ के लोगों की आय बढ़ सके। खबर मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र जिला चंपावत से है, जहां इन दिनों मां पूर्णागिरी धाम पर भव्य मेला चल रहा है। इस मेले में उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों से लेकर मित्र देश नेपाल से भी भक्तगण माता के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर भारत का प्रसिद्ध मां पूर्णागिरी मेला 9 मार्च को प्रारंभ हुआ था और ये 3 महीने के लिए चलाया जाता है, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कोशिश है कि इस मेले को साल भर चलाया जाए, लेकिन पूर्णागिरी क्षेत्र के भैरव मंदिर के आसपास होटल स्वामी धर्मशाला स्वामी के द्वारा सेलागढ़ से दूषित पानी अवैध तरीके से मोटर के द्वारा खींचकर तीर्थयात्रियों की आवभगत में इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इन पहाड़ी नालों में ही सभी धर्मशाला होटलों का गंदा और टॉयलेट वाटर भी खुलेआम प्रभावित किया जाता है। ऐसे में उनके लिए पानी का उपयोग तीर्थयात्रियों द्वारा किया जाना न सिर्फ उनके स्वास्थ्य के लिए खिलवाड़ है, साथ ही तीर्थयात्रियों की आस्था पर भी
कुठारघात है। मीडिया द्वारा इसकी घटना की सूचना दिए जाने के बाद स्थानीय प्रशासन की नींद टूटी और पूर्णागिरी मेला प्रभारी और टनकपुर के जिलाधिकारी सुंदर सिंह द्वारा पूर्णागिरी तहसीलदार पिंकियारे को मौका मुआयना करने के लिए आदेशित किया गया है। तहसीलदार पिंकियारे और थाना अध्यक्ष हरीश प्रसाद द्वारा भैरव मंदिर सेलागढ़ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण देखा गया कि वहां पर होटल स्वामी धर्मशाला स्वामी द्वारा सेलागढ़ से गंदा पानी मोटरों द्वारा खींचकर धर्मशालाओं होटलों में तीर्थयात्रियों के अवगत के लिए धरने से इस्तेमाल किया जा रहा है। तहसीलदार पिंकियारे द्वारा जांच के बाद जांच रिपोर्ट उप जिलाधिकारी सुंदर सिंह को सौंप दी गई है। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए जिलाधिकारी सुंदर सिंह ने बताया कि उनके द्वारा पूर्णागिरी तहसील पिंकियारे को आदेशित किया गया था। मौके पर जाकर छानबीन की गई है, जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके आधार पर जाँच की जाएगी। उत्तराखंड में चारों धामों के कपाट खुल चुके हैं। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी उन साधु संतों के अलावा गरीब लोगों को हो रही है जो पैसों की कमी के चलते पैदल ही यात्रा करते हैं। ऐसे में श्रीनगर कोतवाली में तैनात SSI संतोष पैथवाल इन लोगों की मदद में जुटे हैं और ऐसे शिव भक्तों को खाकी का साथ मिल रहा है। वे ड्यूटी के दौरान हर दिन साधु संतों और गरीब तबके के लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वाहनों की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि बिना परेशानी के उनकी यात्रा सुगम बन सके। साथ ही उन लोगों को खाने पीने की भी व्यवस्था कर संतोष कर रहे हैं। आपको बता दें कि SSI संतोष पैंथवाल इससे पहले पौड़ी जनपद के थलीसेंट थाने में तैनात थे, कोरोना काल में भी कई लोगों की मदद कर चुके हैं। बीती रात बड़ागांव थाना अंतर्गत आने वाली परीक्षा चौकी अंतर्गत घनाराम पेट्रोल पंप के पास ट्रक हादसा हुआ है। एक की मौत हो गई है। ट्रक के चेसिस को काट कर निकाला गया मृतक का शव। सूचना पाकर मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची, इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। फरुखाबाद में भाइयों के विवाद में युवक ने खुद को गोली मार ली। पेट में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे इलाज के लिए शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश जनपद फरुखाबाद के थाना नवाबगंज के ग्राम कुतुबुद्दीनपुर निवासी 33 वर्षीय संजीव यादव, जो कि बेटे हैं ओजीरा सिंह यादव के, अपने छोटे भाई से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद संजीव यादव ने अपने पेट में गोली मारी। पेट में गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने आनंद फान उनसे गंभीर हालत में शहर के नाला मरसता स्थित एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। वहीं मामले में घायल के चाचा रामदास ने बताया कि छोटे भाई से लेकर उसकी कहासुनी हो गई थी, जिसके चलते संजीव ने तमंचे से खुद को गोली मारी। हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 35 साल के मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। इस समर का पाइप ट्रैक्टर से उतरवाकर हाईटेंशन लाइन से टच होने पर करंट लगा। आपको बता दें कि मजदूर ट्रैक्टर में पाइप लेकर समर का बोरिंग करने गया था। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। मृतक मजदूर राष्ट्रीय गजजुडवारा नगर के मोहल्ला इमाम बख्श का निवासी था। संभल में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे 25,000 के नामी बदमाश को अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने नामी बदमाश के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया। चंदौसी कोतवाली पुलिस ने रविवार को बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने लूट सहित तमाम मामलों में वांछित और गैंगस्टर एक्ट के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। संभल जिले की पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही से चोरी की 8 मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय में पेश किया। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग के खुलासे का पूरा मामला बहजोई कोतवाली इलाके का है, जहां रविवार को बहजोई पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। बेहटा जयसिंह चौराहे पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक बाइक पर दोस्त लोगों को देखकर रोका, उनसे पूछताछ की। पुलिस के अनुसार दोनों लोगों ने बाइक को बेचने की जानकारी दी है। साथ ही दोनों ने खुद को अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का सदस्य बताया। पुलिस ने दोनों के पास से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। साथ ही साथ दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। समय से पहले जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं के इलाज के लिए अब माता पिता और परिजनों को गैर जनपद के चक्कर नहीं लगाने होंगे। समय से पहले जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं का इलाज अब जिला चिकित्सालय में हो सकेगा। स्वास्थ्य विभाग नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला चिकित्सालय में सभी सुविधाओं से लैस SSNCO वार्ड यूनिट का संचालन जल्द ही करने जा रहा है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार एक सप्ताह में SSNCO वार्ड यूनिट का संचालन जिला चिकित्सालय में शुरू हो सकेगा। निकाय चुनाव के मद्देनजर DM नेहा प्रकाश के निर्देशन में आबकारी विभाग की कार्रवाई जारी है। अवैध शराब निर्माण और बिक्री के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आज सुबह आबकारी निरीक्षक ने टीम के साथ छापेमारी की। थाना हदत नगर गिरंट के गन्नापुरवा तालपुरवा में घरों और खेतों में दबिश दी गई। दबिश के दौरान 15 लीटर कच्ची शराब 300 किलोग्राम लहन बरामद किया गया। मौके से आबकारी टीम ने शराब और लहन बरामद कर नष्ट करवाया। गांव में घर के अंदर और खेतों में कच्ची शराब बनाई जा रही थी। रायबरेली थाना क्षेत्र के पूरे प्रहलाद जलालपुर निवासी उपेंद्र सिंह ने पुलिस अधीक्षक से गदागंज थाने में तैनात उप निरीक्षक अजय यादव और 4 कांस्टेबल के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की थी। उपेंद्र सिंह का आरोप है कि बीते 18 अप्रैल को अपने घर पर था, तभी उप निरीक्षक अजय यादव मौके पर पहुंचे और उसे जबरन अपने साथ उठा ले गए। थाने में उसके साथ गाली गलौज की, मारपीट की। परिजनों का कहना है कि जब थाने में कारण पूछा गया तो धमकाया गया। मामला किसी लड़की के फरार हो जाने से संबंधित था, जबकि पीड़ित का आरोप है कि मामले से उसका कोई लेना देना नहीं।
उप निरीक्षक अजय यादव पर आरोप है कि पीड़ित को छोड़ने के एवज में उससे 12,000 वसूले गए। पूरा मामला थाना प्रभारी के संज्ञान में होते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। संदिग्ध हालत में अज्ञात व्यक्ति का नदी से शव बरामद हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। पुलिस द्वारा अज्ञात व्यक्ति की शिनाख्त भी की जा रही है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के जनता बाजार के पास से नून नदी का ही पूरा मामला है। उन्नाव में अजब गजब मामला सामने आया है। बाइक का चालान कटा लेकिन कार मालिक के पास पहुंच गया, जिससे हड़कंप मच गया। कार ड्राइवर को नो हेलमेट में चालान कटा, हेलमेट ना पहनने पर 1,000 रुपए का चालान काटा गया। जनपद इटावा में चालान कटा और उन्नाव पहुंच गया। पीड़ित ने आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। 7 बार सपा से विधायक और पूर्व मंत्री रहे बाबू नरेंद्र सिंह यादव ने कमल का दामन थाम लिया। आज अपनी बेटी जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव और अपने बेटे सचिन यादव के साथ वो भाजपा में शामिल हो गए। यूपी के डिप्टी सीएम विदेश पाठक ने लखनऊ में भाजपा कार्यालय पर सदस्यता दिलाई है। सपा को फर्रुखाबाद से बड़ा झटका लगा है। मंत्री समर्थकों को खुशी की दर देखी जा रही है। कानपुर में कार चलाना सीख रहे नाबालिग ने स्कूली बच्चों से भरी रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में 6 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक बच्चे को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं नाबालिग को ड्राइविंग सिखा रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर कार को कब्जे में लिया है। वारदात नवाबगंज थाना क्षेत्र के डॉल्फिन चौराहे की है। बता दें कि डीसीपी प्रमोद कुमार ने बताया कि नवाबगंज में पढ़ने वाले 6 बच्चे सोमवार सुबह रिक्शा से स्कूल जा रहे थे। डॉल्फिन चौराहे पर तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इसके बाद भागने के चक्कर में जमीन पर गिरे एक बच्चे को कुचल दिया। इससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल। डीआईजी शलभ माथुर और एसएसपी हिमराज मीणा द्वारा रेंज के 7 जिले भर में अपराधियों, वारंटियों, अवैध कारोबारियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान में कुंदूर की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें जगह जगह चलाए जा रहे चेकिंग अभियान में रामपुर, बिलारी, कुंदुरकी में 2 दर्जन से ज्यादा लूट के साथ आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले दुर्दांत अपराधी साजिद उर्फ कल्लन को गिरफ्तार किया गया है। एसपी ग्रामीण संदीप कुमार मीणा ने पुलिस लाइन के सभागार में पकड़े गए इस बदमाश की जानकारी देते हुए बताया कि शातिर अपराधी साजिद उर्फ कल्लन अब तक जिला रामपुर, बिलारी, कुंदुरकी के साथ उत्तराखंड में लूट चोरी के साथ कई अन्य आपराधिक घटनाओं को अपने साथी सागर के साथ अंजाम दे चुका है। मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने प्रधानमंत्री के मन की बात के 100वें एपिसोड पर मदरसों के अंदर सुनने को लेकर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री से मदरसा टीचर्स की रुकी हुई सैलरी पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि वो पहले भी कह चुके हैं कि आधुनिकीकरण मदरसा टीचरों की लगभग 50 माह से रुका हुआ वेतन उन्हें नहीं मिला है। उसे दिलाए जाने के साथ ही उन्होंने असम में मदरसों पर हो रही कार्रवाई पर भी सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ आप मदरसों के बच्चों को निभाने की बात करते हैं, तो वहीं असम के मुख्यमंत्री मदरसों पर बुलडोजर चला रहे हैं। इतना ही नहीं, वो बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा रहे तो मदरसों को तोड़ दूं। आपके नेता मदरसों को आतंकवाद की जननी कहते हैं। उन्होंने कहा कि कब तक बेचारा गरीब मुसलमान इनके बहकावे में आता रहेगा और ये कब तक उसे बेवकूफ बनाते रहेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री के मन की बात को जुमलेबाजी बताया है। बदायूं जिला अस्पताल में 5 महीने की बच्ची की डॉक्टर की लापरवाही से मौत हो गई। 5 महीने की बच्ची का भी कमजोर होने के नाते एनआरसी वार्ड में भर्ती कराया गया था। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। पूरा मामला बदायूं जिले के जिला अस्पताल का है, जहां 5 महीने की बच्ची को एनआरसी वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते बच्ची की मौत हो गई। आरोप है कि जब बच्ची की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तो डॉक्टर्स को सूचना दी गई, लेकिन डॉक्टर मौके पर नहीं पहुंचे और बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। मीडिया से बातचीत करते हुए सतीश कुमार ने बताया कि जनपद में उनके द्वारा झांसी पुलिस लाइन, स्कूल थाना, बड़ागांव थाना, सदर बाजार का निरीक्षण किया गया। थाना बड़ागांव में सभी पुलिसकर्मियों से खुलवाकर भी चेक किया गया। थाना बड़ागांव महिला हेल्प डेस्क, बैरक, कंप्यूटर कक्ष, आगंतुक कक्ष, मालखाने का बारीकी से निरीक्षण किया गया। साथ ही निर्देशित किया गया है कि हाईवे पर थाना है, इसकी बाउंड्री को बढ़ा दिया जाए जिससे कोई दुर्घटना ना हो। आगरा में निकाय चुनाव को लेकर पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता मिली है। खैरागढ़ थाना क्षेत्र के राजस्थान बॉर्डर से पुलिस ने 5 लाख नकदी बरामद किया। निकाय चुनाव को लेकर पुलिस कह रही थी कि राजस्थान बॉर्डर पर चेकिंग हो रही है और हम चेकिंग कर रहे थे, और चेकिंग के दौरान ही पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां से एक अभियुक्त और 5 लाख बरामद किए गए। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक आज गढ़वाल सांसद और समिति के अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। आयोजित बैठक में शौचालय विहीन विद्यालय, भवन विहीन चल रहे विद्यालयों के मुद्दे प्रमुखता से निकलकर सामने आए, जिस पर गढ़वाल सांसद पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपनी गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए सख्त निर्देश दिए हैं कि अगली बैठक में कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं रहना चाहिए जहां पर शौचालय ना हो। इसके साथ ही जो विद्यालय ऐसे हैं जिनके भवन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, उनको भी जल्द दुरुस्त करने के निर्देश उनके द्वारा बैठक के माध्यम से उच्च अधिकारी को दिए गए हैं। उनका कहना है कि अधिकारी प्रमुखता से ऐसे विद्यालय को चिन्हित करें जहां पर शौचालय नहीं है। इसके साथ ही जिन विद्यालयों के भवन पूरी तरह से खराब है उनको भी ठीक किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कानपुर करौली शंकर महादेव मंदिर के संचालक संतोष सिंह भदौरिया की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। शहर में गोल्डन बाबा के नाम से मशहूर स्वामी मनोजानंद जी महाराज ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की तथा संतोष सिंह भदौरिया के खिलाफ एक ज्ञापन दिया। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए गोल्डन बाबा ने कहा कि संतोष सिंह भदौरिया को कोई भी अधिकार नहीं है कि वो सनातन धर्म के ऊपर कोई भी आरोप लगाएं या निराधार भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाएं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं वो पूरी तरह से निराधार है। इसके लिए संतोष सिंह भदौरिया माफी मांगे और सभी भक्तों सहित सभी सनातनियों से अपनी गलती मानते हुए क्षमा याचना करें। हरदोई के शाहबाद कस्बे में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का चरित्र गुंडागर्दी का है, अपराधियों का है, माफियाओं का संरक्षण करने का है। वो कभी गरीबों के बारे में नहीं सोचते, वोट लेते समय आएंगे बगला भगत बनकर, लेकिन वोट लेकर अगर उनको कुछ सफलता मिल गई तो सत्ता के माध्यम से गरीबों को रौंदने का काम भी करते हैं, गरीबों को शोषण भी करते हैं। उन्नाव में भीषण हादसा हुआ जहां आमने सामने दो बाइकों की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 4 साल की मासूम बच्ची से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, 3 लोग घायल हुए। आनंद पानी में स्थानीय लोगों ने घायलों को CMS अस्पताल में भर्ती कराया। घटनास्थल पर पहुंचे स्थानीय पुलिस ने मृतक शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पांगरमो कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ मार्ग स्थित गोरैया कला के सामने हादसा हुआ। अलगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत तस्वीर महल चौराहे स्थित प्रेस क्लब का मामला है जहां कुलदीप लवानिया फाउंडेशन द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें उन्होंने यातायात नियमों के प्रति जागरूकता के लिए सेमिनार किए जाने की जानकारी दी। वहीं इस दौरान उन्होंने बताया कि सेमिनार में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिनके जरिए आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। वहीं सेमिनार और कार्यक्रम में अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाएगा। मामूली बात को लेकर विवाद में जमकर मारपीट के चलते एक महिला की मौत हो गई। घटना से संबंधित पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। 2 दिन पहले मामूली बात को लेकर दबंगों ने लोगों पर हमला किया था जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। अमीटी कोतवाली क्षेत्र के गौरी मिश्र असानी गांव का पूरा नाम। स्वास्थ्य सुविधाओं को जनता को उपलब्ध कराने के लिए जहां यूपी के स्वास्थ्य मंत्री स्वयं प्रयास करते दिख रहे हैं, वहीं जनपद के सरकारी अस्पतालों में भी इसका प्रभाव नजर आने लगा है। आज सुबह अचानक VIP जिलों में शुमार अमेठी के जिला चिकित्सालय में CMS BP अग्रवाल ने पहुंचकर आकस्मिक निरीक्षण किया। सभी भवनों में स्वयं जाकर CMS ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। स्टाफ नर्स ड्यूटी में लापरवाही और बिना डॉक्टर के हैंड राइटिंग के लिखे जांच पर्चों के इनपुट पर CMS BP अग्रवाल ने जिला चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया है जिससे पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। फटाफट खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।